बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज का हमारा ये लेक्चर, आज का हमारा ये वीडियो, तमाम वो फ्रेंड्स, वो भाई बहन, वो नौजवान, वो शागिर्द जो कि एस्पायरेंट्स हैं सीएसएस के, जो सीएसएस का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन पर्टिकुलरली वो फ्रेंड्स जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, रिमोट एरिया से हैं, जिनके पास इतना अवेयरनेस नहीं सीएसएस का। आपने क्या सुना कि सीएसएस का एग्जाम पास करने के बाद आपको आराम से जॉब मिल जाएगी? यही सुना ना, जो सीएसएस का एग्जाम पास करते हैं उनको जॉब मिल जाती है। ऑलमोस्ट सही है, मैंने कहा ऑलमोस्ट सही है, लेकिन समहाउ गलत भी है, क्योंकि ये चीज़ 95% सही है, 5% गलत है। वो इसके लिए कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे नौजवान हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं, दोज़ क्वालिफाइड सीएसएस, दे क्वालिफाइड एमपीटी, डिस्क्रिप्टिव, वायवा, स्टिल दे आर जॉबलेस। उन्होंने सीएसएस का एग्जाम पास भी कर लिया, उसके बावजूद भी जॉबलेस हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनको जॉब नहीं मिली। आप यकीन करेंगे, शायद सोचेंगे आपके, अनबिलीवेबल, अकरम भाई ये कौन सी बात है, सीएसएस पास भी कर लें और जॉब ही ना मिले, भाई ये बात सही है? तो आजकल हमें न सिर्फ पास करना है सीएसएस को मुश्किल से, बल्कि हमारे अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए। दैट मींस बिकॉज ऑफ कंपटीशन, आजकल मुकाबला है, कंपटीशन है, सीट्स बहुत कम हैं और जो एस्पायरेंट्स हैं बहुत ज्यादा हैं इसके लिए। तो ये वीडियो लाजमी आप देखिएगा कि आपको कितने मार्क्स लाजमी ऑप्टेन करने चाहिए, सिक्योर करने चाहिए, ताकि आपकी जो है एक डिजायर्ड ग्रुप के अंदर, रेस्पेक्टिव ग्रुप में आपकी एलोकेशन हो जाए। मैं कि आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आई जस्ट वॉन्ट टू अवेयर यू कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। सीएसएस पाकिस्तान का प्रेप्स मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ पाकिस्तान, और हमारे नौजवान सब चाहते हैं कि वो इस एग्जाम को पास करें, लेकिन सब तो पास नहीं करते, कुछ पास कर लेते हैं और उनकी लाइफ बन जाती है। फिर इस एग्जाम को पास करने के लिए तीन स्टेप से गुजरना पड़ता है, देयर आर थ्री स्टेप्स। पहला है एमपीटी और स्क्रीनिंग, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये। मसलन कैसे, यहां पर एमसीक्यू टेस्ट है और ओवरऑल जो हैं 200 एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, और 200 मार्क्स, और पास होने के लिए हमें यहां पर जो हैं 66 मार्क्स चाहिए। दैट मींस के 33% पर पास है, कोई नेगेटिव यहां पर है ही नहीं, काफी इजी है, नो नेगेटिव, नो माइनस, 200 में से आप 66 मार्क्स ले लें, काफी इजी है, यू कैन इजीली क्वालिफाइड। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिटन, काफी मुश्किल है, काफी क्या, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सीएसएस इज दिस पार्ट, रिटन एग्जाम। 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं और यहां पर 1200 मार्क्स, 100 मार्क एक सब्जेक्ट में। लिसन, अब 1200 में से आपको 600 मार्क्स लाजमी ऑप्ट करने हैं, यानी कि एग्रीगेट आपका 50% लाजमी होना चाहिए टू क्वालिफाई रिटन। जरा सुनिएगा, जरा सुनिएगा, 1200 में से 600 मार्क्स अगर आपने हासिल कर भी लिए, अभी भी आप फेल हो सकते हैं। 600 मार्क्स हमें लाजमी चाहिए मिनिमम, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके 650 मार्क्स हैं, 700 हैं, 750 हैं, 800 भी हैं, या 900 भी आप ले लें, फिर भी आप फेल हो जाते हैं। इसका लॉजिक ये है कि 1200 में से 600 मार्क्स होने चाहिए और जो 12 सब्जेक्ट्स हैं ये भी लाजमी हमें पास करने चाहिए। कुछ यूं, 40% कंपल्सरी, जो 6 सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी हैं, तो वहां पर आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाजमी हासिल करने चाहिए
टू क्वालिफाई दैट सब्जेक्ट। जीके में 120 है वैसे, फिर भी अगर देखा जाए तो 40% बन सकते हैं, बन जाते हैं ये। अच्छा फिर 6 सब्जेक्ट आपके हैं ऑप्शनल, यहां पर 33%, यानी कि 100 में से आप 33 मार्क्स लाजमी लें टू क्वालिफाई ऑप्शनल सब्जेक्ट। दैट मींस के 33 मार्क्स आपके मिनिमम मार्क्स लाजमी हो हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, और 40 मार्क्स लाजमी हो हर कंपल्सरी सब्जेक्ट के अंदर, और साथ साथ आपके जो हैं 600 मार्क्स भी लाजमी होने चाहिए, तब आप क्या हैं, आप पास हो जाते हैं सीएसएस, यानी कि रिटन एग्जाम। तब आपने पास किया डिस्क्रिप्टिव रिटन पार्ट। थर्ड इसका स्टेप क्या है, वह इंटरव्यू, वह वायवाज, जिसमें से 300 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं पासिंग मार्क, 100 हैं। यूं समझ लें कि 600 रिटन के अंदर, 100 वावास के अंदर, आपके 600 प्लस 100 इन्हें पासिंग के लिए 700 चाहिए। ओके, 700 मार्क्स हो गए, आपने पास कर लिया सीएसएस, क्वालिफाई हो गए आप। बट ये काफी नहीं है, इट्स नॉट इनफ। इस तरह हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो पास तो हो जाते हैं, उनके पास मैंने कहा ना जॉब नहीं है। अब ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक ये है, लिसन, यूं समझ लें कि 250 सीट्स हैं, 250 सीट्स हैं, और दोज क्वालिफाइड द फाइनल रिजल्ट ऑफ सीएसएस। अब यहां पर वो 400 कैंडिडेट्स हैं फाइनली दे क्वालिफाइड सीएसएस। भाई सीट्स तो 250 हैं, 400 ने पास किया है इम्तिहान को, 150 कहां जाएंगे, घर चले जाएंगे वो, ऐसा ही है ना। जो बाकी 150 होंगे ना वो बिल्कुल बेरोजगार, यूं समझें कि वो फेल हैं वो। तो हमें यहां पहुंचना है 250 के अंदर ना, तो इसके लिए हमें मुश्किल से सिर्फ पास नहीं करना सीएसएस, हमारे अच्छे मार्क्स लाजमी होने चाहिए, हमारे कुछ मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। ये 600 हमने कहा ना, सिर्फ 600 काफी नहीं है। अब लिसन नाउ, यहां तक आप बात समझ गए आई होप, जरा इस बात को आप समझिएगा ठीक तरह से और भी। लिसन, आप ना मिनिमम सोच लें कि आपके 650 मार्क्स लाजमी हो डिस्क्रिप्टिव रिटन के अंदर। मैंने कहा ना जॉब हमें लाजमी मिले ना, जो हमारे पास 12 ग्रुप्स होते हैं, देयर आर 12 ग्रुप्स, जो 12 ग्रुप्स हैं, 12 ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप के अंदर एलोकेशन के लिए 650 आपके मार्क्स लाजमी होने चाहिए रिटन के अंदर, और 150 आप लाजमी मार्क्स लें वावास के अंदर। तो कुल मिलाकर क्या बन जाते हैं, ये 800 बन जाते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी एलोकेशन हो जाए ना किसी भी ग्रुप के अंदर, तो फिर आपके 800 मार्क्स लाजमी हो, ये होने चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो आपका टॉप चॉइस है, मसलन कैसे, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पीएस हम टॉप पे रखते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है जी, उसके बाद पीएसपी पुलिस ऑफ पाकिस्तान पीएसपी रखते हैं, फिर हम रखते हैं, चलो ये दोनों हमारे बिल्कुल टॉप पे रखते हैं, इन दोनों को हम पीएस और पीएसपी। अगर आप ये दोनों चाहते हैं, या ये रखा टॉप में या ये रखा आपने टॉप के अंदर ना, तो इसके लिए याद कीजिएगा करीब करीब आप मान लें कि आपके 700 मार्क्स होने चाहिए रिटन के अंदर, और वावाज में भी आपके कुछ मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा बोले तो कितने ज्यादा, यानी कि इसको आप 170 करें या उससे भी प्लस कर लें। यूं समझ लें जो आपका टॉप चॉइस है, अगर वो आप चाहते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं 850 से लेकर 900 के बीच में लाजमी हो, या 900 लाजमी होने चाहिए, 850, 870, 80, 900 तक आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आपके जो टॉप चॉइस हैं ये पीएस और पीएसपी, ये आपको मिल जाएंगे। तो बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि आप की एलोकेशन हो, आपको जॉब लाजमी मिले,
तो आपके 800 मार्क्स तो दोनों को मिलाकर डिस्क्रिप्टिव यानी कि रिटन एंड वावा आपके 800 मार्क्स तो लाजमी आप सोच ले एनी हाउ आपको ऑप्टिन करने हैं फाइनली, तब होगी आपकी एलोकेशन। ये नहीं कि 600 हो गए रिटन के अंदर, 600 आपने मार्क्स लिए रिटन में और 100 आपने मार्क्स लिए जो है वावास के अंदर, किसी काम के नहीं रहेंगे ये। तो आजकल कंपटीशन है तो जरा आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ऐसा ना हो को आप क्वालिफाई भी करें सीएसएस बट अगेन नो जॉब तो क्या फायदा, वही जॉबलेस दैट मींस के फेल सिंपली। तो जितना हो सके आपके ज्यादा मार्क्स हों तो आपका जो डिजायर्ड ग्रुप है, जो आपका टॉप चॉइस है, वो आपको मिल जाए। जहां भी ये खुश रहें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।